जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने ही वह के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों हम आपको बता दें, अभी जो हम बात करेंगे वो हमारा एक डेमो टीम होगा। फाइनल टीम में आपको जो भी बदलाव दिखेंगे उसका अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आप जो अभी वीडियो को देख रहे हो उसके चले जाइएगा कमेंट सेक्शन में, और सबसे टॉप कमेंट में आपको दिख जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, और दोस्तों इस पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे स्टार्टिंग में ही मैं आप लोग का एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कीजिएगा, और साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, मैं जो भी वीडियो दूंगा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वनडे कप का जो मुकाबला खेला जाएगा न्यू साउथ वेल्स वर्सेस साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी के टीम को लेके। अब देखो भाई, दोनों टीम में से कोई अपना स्क्वाड अभी तक कन्फर्म अनाउंस नहीं किया है, तो हम यही मान कर चलेंगे जो पिछला मैच खेल रहे थे दोनों टीम उसमें से बहुत बड़ी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक आध प्लेयर हैं जैसे कि एलेक्स कैडे, ट्रेविस हेड, वो इंटरनेशनल टीम के साथ जुड़ चुके हैं जो कि अभी टेस्ट खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो उन लोगों को हम यहाँ पर काउंट करके नहीं चलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं फेवरेट टीम को लेकर कि यहाँ पर फेवरेट की टीम्स कौन सी रहने वाली है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे न्यू साउथ वेल्स की तरफ, तो इनके जो टीम है वो कंप्लीट आपको दिखेंगी, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का कमी नज़र नहीं आएगा। स्पेशली गेंदबाजी में जब आप ध्यान दोगे तो डॉड विसेस को एक काउंट कर लो, फिर डेनियल सेम्स, फिर आपको दिखेंगे जंपा, फिर आपको दिखेंगे तनवीर संगा, तो आपको लगभग एक कंप्लीट पैकेज के रूप में दिख रहे हैं गेंदबाजी। साथ में हेडन कर्बी यहाँ पे रिसेंटली अच्छा खेल खेला है। लेकिन जब साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ ध्यान दोगे तो इनका टीम बिल्कुल उखड़ी सी है। बल्लेबाजी में जैक विदराल के ऊपर टीम डिपेंड करेगी। गेंदबाज लाइनअप इनका मुझे बिलो एवरेज इस मैच में नजर आ रहा है। आइए हम बात करते हैं पहले पॉइंट्स टेबल में दोनों टीम का पोजीशन क्या है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स 5 में से 2 मैच विन की है, और यहाँ पे लॉस एक भी मैच नहीं किया। रीजन क्या कि रेन के वजह से इनके मैच अवॉइडेड हो गए थे। उसके अलावा अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 में से सिर्फ 1 मैच विन की है, 4 मैच लॉस की है। अगर हम बात करेंगे तो न्यू साउथ वेल्स का स्क्वाड क्या रह सकता है, ये मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मोस्ट प्रोबेबली यही आपको दिखने वाला है जो कि लास्ट मैच में दिखा था, जहाँ पे आपको दिखेंगे हेड एंड कर, फिर आपको दिखेंगे कर्टिस पैटरसन, जैक एडवर्ड्स, मोइज़ेस एनरिकेज़, लियम हैचर, बैक्स्टर होल्ट, डेनियल सेम्स, फिर आपको यहाँ पर दिखने वाले बेन डॉर्विस, डेनियल ह्यूजेस, एडम जंपा, तनवीर संगा और मैथ्यू ग्लिक्स। अब अगर हम बात कर लेंगे सामने जो टीम होने वाली है, कौन सी सामने टीम होगी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, उनका अगर आप लास्ट मैच में देखोगे तो उनका जो स्क्वाड था वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे एलेक्स कैरे नहीं खेलेंगे, इसके अलावा लास्ट मैच में तो ट्रेविस हेड खेले ही नहीं थे, लेकिन इससे पहले वाले मैच में ट्रेविस हेड खेले थे, लेकिन यहाँ आपको ट्रेविस हेड भी खेलते नजर नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात कर लेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो दिखेंगे आपको हेनरी हंट ओपन करते हुए 30 किए हुए थे, इसके अलावा जैक विदराल 13 किए हुए थे, यहाँ पे एलेक्स कैरे खेलेंगे नहीं, जैक लेहमन हमेशा से ओडीआई में अच्छा खेलते हैं 49 किए हुए थे, नथन 53 किए हुए थे, थॉमस कैली 12, लियम स्कॉट 42 रन, मैकेंडू 25 रन, ग्रांट किए हुए थे 2 रन। अगर हम बात कर लेंगे विक्टोरिया मींस गेंदबाजी में, तो आपको यहाँ पे दिखने वाले लियम स्कॉट 4 ओवर 17 रन 0 विकेट, ब्रेंडन डगेट 8 में 64 रन। अगर पहले बल्लेबाजी करे गेंदबाजी करे ये टीम तो ब्रेंडन डगेट आपके लिए तगड़े पिक बन जाएंगे। डेविड ग्रांट 6 में 33 रन 1 विकेट, नथन मैकेंडू 8 ओवर 62 रन 0 विकेट, नथन मैकेंडू पर ध्यान दीजिएगा 10 ओवर 32 रन 1 विकेट, प्लस बल्लेबाजी में भी 50 किए हुए थे। लेकिन इस मैच से पहले इन्होंने एक मैच में भी कुछ भी ओवर नहीं डाला है, 1-2 ओवर को छोड़ दोगे तो। एल पॉप 10 ओवर 51 रन 3 विकेट, पहले गेंदबाजी में आपके लिए अच्छे पिक बन सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो साउथ ऑस्ट्रेलिया का इससे पहले मुकाबला खेला गया था उसमें देखिएगा, तो क्वींसलैंड के अगेंस्ट इनको हार झेलनी पड़ी थी, जहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेनरी हंट 61 किए हुए थे, ट्रेविस हेड एलेक्स कैरे को लेकर सोचना नहीं है। फिर आपको देखेंगे जैक लेमन 21 रन, नथन मैकेंडू 26 रन, थॉमस कैली 12 रन, मैकेंड्रू 1 रन, सी केली 7, वोरल 0, वेस अगर 0। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर वोरल और वेस अगर खेलेंगे हम जरूर ट्राई करेंगे, अगर नहीं खेलते हैं तो फिर इसको लेके बात भी नहीं करने वाले हैं। गेंदबाजी में देखिएगा तो जो कामयाब गेंदबाज हुए थे वो नथन मैकेंड्रू 7 में 54 रन 2 विकेट, बाकी किसी को ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं थी।
अब हम बात कर लेते हैं न्यू साउथ वेल्स का जो लास्ट मैच खेला गया था वो कैसा रहा था। तो उनका सामना हुआ था क्वींसलैंड के साथ, जहां पे डीएल मेथड से मैच खेला गया था। क्वींसलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 24.2 ओवर में 105 खड़ा किए थे 7 विकेट के नुकसान पे, जो कि बाद में इस मैच को कर दिया गया 24 ओवर का। अगर बात करेंगे यहाँ पे बल्लेबाजी में, तो बल्लेबाजी में तो पहले बात करेंगे ही, साथ में गेंदबाजी को देख लेते हैं हल्का सा। डॉरविशेस 5 में 18 रन 1 विकेट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ट्रीमैन नहीं खेलेंगे। लियम हैचर 5 में 18 रन 1 विकेट, अगर खेलते हैं तो अच्छे पिक हो सकते हैं, डेथ में गेंदबाजी डालते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आपको दिखेंगे हेडनकर 3.2 बॉल 18 रन 1 विकेट, फिर आपको जैक एडवर्ड्स दिखेंगे 1 में 8 रन 1 विकेट। तनवीर संगा बहुत बड़े गेम चेंजर है, कभी भी बंद चेज में विकेट ले सकते हैं। और यहाँ पर तो आपको दिखेंगे जंपा भी स्क्वाड में, अगर जंपा खेलते हैं तो फिर आपके लिए अच्छे खासे पिक बन जाएंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं बल्लेबाजी में, तो आपको दिखेंगे हेडनकर ओपन करते हुए, इसके अलावा आपको दिखेंगे हर्न जो कि यहाँ पर स्क्वाड में नहीं है, जेसन संगा भी स्क्वाड में नहीं है, अगर खेलते हैं तो मस्ट पिक होंगे। इसके अलावा मिनी जीएल जीएल में जैक एडवर्ड्स को ट्राई कीजिए, बाकी आपके सामने बल्लेबाजी तो है ही। अब देखिए यहाँ पे अगर इससे पहले मैच में बात कर लेंगे न्यू साउथ वेल्स का, तो उनका सामना हुआ था विक्टोरिया के साथ, जहाँ पे न्यू साउथ वेल्स ने बोर्ड पे खड़ा किए थे 344 रन। सबसे बड़ी बात यहाँ पे डेनियल ह्यूजेस ओपन किए हुए थे, जहाँ 40 रन किए थे 47 बॉल में। मैथ्यू ग्लिक्स भी यहाँ पे ओपन किए हुए थे। अब यही सबसे बड़ी बात है, दोनों स्क्वाड में है, बैटिंग पोजिशन क्या होगा ये लाइनअप आने के बाद ही मालूम चलेगा, उसके बाद ही हम इन दोनों के ऊपर फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद हेनरिक्स 39 किए हुए थे, इसके बाद आपको दिख जाएंगे कर्टिस पीटरसन 22 रन। अब यहाँ पे कुछ न्यूज़ ये भी आ रहे हैं कि कर्टिस पीटरसन अपने आप को प्रमोशन ले सकते हैं, अगर प्रमोशन लेते हैं तो फिर अच्छे खासे पिक बन जाएंगे। जैक एडवर्ड्स 33, हेडनकर 43 रन, डेनियल सम्स 21, वक्सटर होल्ट 41, ट्रीमैन 27 किए हुए थे। गेंदबाजी में ध्यान दीजिएगा, डेनियल सम्स 1 विकेट, ट्रीमैन को लेकर बात नहीं करना है, जंपा 2 विकेट, हेडनकर 2 विकेट, जैक एडवर्ड्स यहाँ पर विकेट नहीं लिए थे, तनवीर संगा के ऊपर ध्यान दीजिए 7 ओवर 2 बॉल 21 रन 4 विकेट। तो कौन 5 गेंदबाज इनके तरफ से खेलने वाले, ये अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब आइए ज़्यादा वीडियो को लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, एक हम बात मैच को लेकर बात कर लेंगे जब दोनों टीम आमने सामने खेली थी। वो दोस्तों मुकाबला हुआ था 23 मार्च 2021 को, जहाँ पे देखिएगा आप लोग तो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे सामने जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो खड़ा किए थे 317 रन। जहाँ पे सॉरी दोस्तों मैंने मैच दूसरा खोल लिया था, यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग, यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया खड़ा किए थे 205 रन, जहाँ बल्लेबाजी में हैरी नियलसन 5 किए हुए थे, जैक रुद्राल्ड 6, ट्रेविस हेड स्क्वाड में नहीं है, एलेक्स करी स्क्वाड में नहीं है, टीम के लिए सबसे बड़ी झटका यही है, कलम फर्गूसन भी स्क्वाड में नहीं है, टॉम कूपर भी नहीं है, वेलेंटे भी नहीं है दोस्तों, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि टीम का क्या हालत है। फिर सी केली 27 किए हुए थे, बाकी आपके सामने सब कुछ है। गेंदबाजी में सामने की टीम में पैट कमिंस नहीं होंगे, डॉरविस होंगे 10 ओवर 37 2 विकेट, फिर आपको नथन लियोन नहीं दिखेंगे, फिर आपको सी नेवर्ट नहीं दिखने वाले, लियम हेचर 9 ओवर 32 रन 2 विकेट, मैजेज रॉड्रिगेस 3 ओवर 15 रन 0 विकेट। अब आप यहाँ पे बल्लेबाजी में ध्यान दीजिए, डेविड वार्नर नहीं है टीम के साथ, फिर मैथ्यू ग्लिक्स 10 किए हुए थे, हेनरिकेस 27, कर्टिस पेटरसन 20, ओलिवर डेविस 40, जैक एडवर्ड्स 40 रन। गेंदबाजी में ध्यान दीजिएगा तो किसी ने कुछ खास कामयाबी यहाँ पे प्राप्त नहीं किया हुआ था, वेस अगर खेलते हैं तो आपके लिए अच्छे खासे पिक बन सकते हैं। इस मैच में दोस्तों टॉस का एक बहुत ही अहम योगदान रहने वाला है, टॉस के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेंगी और सामने की टीम डेथ में गेंदबाजी कौन डालने वाले हैं, क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी कमजोर है और ये पहले बल्लेबाजी करता है तो हो सकता है बोर्ड पे 225 से लेकर 230 के बीच का ऑल आउट हो जाए या इसमें 25 रन प्लस माइनस हो सकता है। अब यहाँ पे मैथ्यू गिलिक्स अगर यहाँ पे खेलते हैं और ओपन करने आते तो हमारे लिए तगड़े पिक बन जाएंगे और साथ में बक्सटर होल्ट एवरेज से पिक है, इसको लेकर आप लोगों को सोचना नहीं है। तो ऑप्शन आती है यहाँ पे नियलसन और गिलिक्स में से, तो मैंने फिलहाल नियलसन को ट्रैक किया क्योंकि मुझे यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स का गेंदबाज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होंगे अपनी टीम में। अगर वक्सटर होल्ट नहीं खेलते हैं और ग्लिक्स आपको ओपन करते नजर आ जाए तो जरूर हम लोग इसके साथ जा सकते हैं। एलेक्स करे स्क्वाड में नहीं रहेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ अभी खेल रहे हैं, तो फिलहाल मैंने अपनी टीम में नियलसन को लिया हुआ है। बैटिंग में डेविड वार्नर स्मिथ को लेकर सोचना नहीं है, कर्टिस पीटरसन अच्छे पिक है, तगड़े पिक है, मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे इस बात को याद रखिएगा। अगर यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स पहले बल्लेबाजी करती है तो अच्छे पिक बन जाएंगे, सेकंड बल्लेबाजी में एवरेज सा पिक रहने वाले हैं। रीजन हो सकता है इनके जाते जाते मैच बहुत हद तक समाप्त हो गया हो। फिर आपके लिए डेनियल ह्यूजेस दिखेंगे, अब ये अगर ओपन करते हैं तो मैं बोलूँगा मस्ट पिक प्लेयर, क्योंकि ओडीआई में इनका हमेशा से अच्छा खासा स्टैट्स रहा है, इसको ध्यान रखते हुए मैंने डेनियल ह्यूजेस को अपनी टीम में ट्राई किया हुआ है, फिर मैंने जैक विद्राल को लिया हुआ, इसके अलावा जेसन सांघा अगर खेलते हैं तो मेरे लिए एमपी रहेंगे, मिस दोस्तों मस्ट पिक रहेंगे और मैं इसको अपनी टीम में लेके जरूर जाने वाला हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ पे हंटी हंट को ट्राई किया हुआ, आप चाहो तो हंट के जगह पे ट्राई कर सकते हो। एक प्लेयर जो आपको दिखेंगे यहाँ पे जैक लेमन, टेक्निकल साउंडेड प्लेयर हैं, बहुत तगड़े हैं, एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ज़्यादा है, आप इनके साथ जा सकते हो। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ तो यहाँ कोई मुझे तगड़े पिक नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर यहाँ पे ओलिवर डेविस खेलते और पहले बल्लेबाजी आ जाए तो आप लोग मिनी जीएल जीएल में ट्राई कर सकते हो।
ऑलराउंडर में ट्रेविस हेड खेलेंगे नहीं, हेनरिकेस आपके लिए तब अच्छे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स की पहले बल्लेबाजी आएंगी। सेकंड बल्लेबाजी में बैटिंग ऑर्डर देखना बहुत ही लाजमी हो जाएगा, फिर बैटिंग ऑर्डर के बाद हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे। इसके अलावा सीनियर एवर्ट खेलेंगे नहीं, डेनियल सैम्स अच्छे पिक हैं, जरूर ट्राई कीजिए। जैक एडवर्ड्स को मिनी जीएल जीएल में ट्राई कीजिएगा, नथन मैकेंसी। अब देखो यार, आप इस मैच को हटा दोगे तो इसका परफॉर्मेंस एवरेज या फिर बिलो एवरेज रहा था, लेकिन इस मैच में इन्होंने 10 ओवर बॉलिंग भी कर दिया, वहाँ भी विकेट ले लिया, एक विकेट 32 रन दे के साथ में 50 रन भी कर दिया था। तो अगर आप लास्ट मैच के ध्यान रखते हुए जाओगे तो नथन को ट्राई कर लो, अदरवाइज दोस्तों मैं बोलूँगा ड्रॉप कर दो इसको। बॉलिंग में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास जो है एडम जंपा और यहाँ आपको दिख जाएंगे तनवीर संगा, ये दो को तो मैं लूँगा ही कुछ भी हो जाए। इसके अलावा लियम हैचर खेलते हैं तो मिनी जीएल जीएल में ध्यान से इसको पिक कीजिएगा, रीज़न है कि डेथ में गेंदबाजी करते आपको अच्छे खासे दे सकते हैं। हैडन कर को मैंने ट्राई किया हुआ है, इसके अलावा मैंने मैकेंड्रू को ट्राई किए हुए हैं, साथ में मैंने यहाँ पे अपनी टीम में डॉडबिस को ट्राई किए हुए हैं। अब देखिए न्यू साउथ वेल्स का मैंने 6 प्लेयर ट्राई कर लिए, मेरे को एक और प्लेयर ट्राई करने हैं न्यू साउथ वेल्स का, जिसका दोस्तों नाम यहाँ से या तो हो सकता है मैं आपको बता दूँ कौन, या तो मैचेस हैंडिकेप होगा, या दोस्तों मैं बल्लेबाजी में लेके चला जाऊंगा यहां से अपने टीम में जेसन संघा को, या अगर खेलते हैं तो या मैं जाऊंगा कर्टिस पैटरसन को लेके। तो कुछ ऐसे कॉल जरूर होगा जो मैं प्लेइंग 11 आने के बाद लूंगा, वो कुछ बड़े कॉल भी होंगे और कुछ टफ कॉल भी होंगे। फिलहाल जिसको मैंने अपने टीम में जगह दिया हुआ है उनका नाम है मैजेस एनरिकेस। अब टीम प्रीव्यू देख लीजिए आप लोग, मैंने विकेट के पीछे नियल्सन को लिया हुआ है, फिर बैटिंग में डेनियल हुजर्स, जैक विद्राल, हेनरी हंट को लिया हुआ है, ऑलराउंडर से मैजेस एनरिकेस, डेनियल सैम्स को लिया हुआ है, फिर मैंने बॉलिंग में एडम जंपा, डॉरविसेस, नथन मैकएंड्रू, तनवीर संघा और हेडन कर को अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। बात करेंगे कैप्टन विजी को लेके, सिंपल सी फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स की पहले बल्लेबाजी आए तो डेनियल सैम्स को कैप्टन और हेडन कर को वीसी दे दीजिए, सिंपल सी फॉर्मूला है ये, लॉजिक आपका काम करेगा। 10 ओवर की गेंदबाजी, लगभग 7 से 8 ओवर की गेंदबाजी, प्लस बल्लेबाजी, प्लस बल्लेबाजी, ठीक है। लेकिन मैं अभी कुछ अलग सा कॉल ले रहा हूँ, मेरे कैप्टन रहेंगे यहाँ पे एडम जंपा और वीसी रहेंगे यहाँ पे तनवीर संघा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा फिलहाल के लिए कैप्टन वीसी है, वो भी तब होगा जब न्यू साउथ वेल्स पहले गेंदबाजी करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आफ्टर टॉस यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि आपको मेरे कैप्टन वीसी के रूप में हो या फिर दोस्तों फाइनल टीम में हो, ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। तो जो भी चेंजेस होंगे उसका अपडेट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगा। दिक्कतें बहुत आती है जब दोनों टीम स्क्वाड ना अनाउंस किया हो, क्योंकि हो सकता है मान के चलो इसी को ड्रॉप कर दे स्क्वाड में से, जंपा ही ना खेले, तो ये डिसीजन स्क्वाड आने के बाद ही हम लोग ले सकते हैं, बाकी देखेंगे टॉस के बाद क्या चेंजेस होता है, ठीक है। कुबेरा का डियो पिक्स हो, अगर ये मैच कुबेरा पे आता है तो मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, एक्सेंस 22 पे तो शायद ही ये मैच दिखाई दे, अगर आएगा तो मैं उसका भी पिक आप लोग को टेलीग्राम पे देने का पूरा कोशिश करूंगा। तो लास्ट में तो पता ही होगा ना, ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए।